स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 7:30 और आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, माने तो अभी सोई है। और देखिए मैं पी रही हूँ ये नींबू शहद पानी। तो इसको पीने के बाद मैंने मतलब दूध चढ़ा दिया है खौलने के लिए और मैंने सफ़ेद चने भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। कि बस ये कि आज मैं खीर नहीं बना रही हूँ, कि खीर कोई खाता नहीं है, मैंने पहले ही बताया। तो खीर बना रही हूँ मैं और उसके बाद रायता बनाऊंगी मैं और पूड़ी और कोई छोले और पनीर वगैरह। हमारे घर में ना मानू खाती ना उसके पापा खाते हैं, तो इसलिए मैंने वही बनाया। बहुत मुश्किल होता पनीर खाना हमारे लिए, इसके पापा को गैस हो जाती है ना, तो पनीर बनाते भी नहीं, हम पसंद ही नहीं है, हम तीनों को ही नहीं पसंद है। तो चलिए दोस्तों मैं पानी पी के उसके बाद झाड़ू पोछा करके देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों मैंने नहा धो लिया है, सब रेडी हो गए नहा धोकर। ये देखिए सॉरी, इनके मुंह पे ऊपर से अपोजिट लाइट है ना, जो ऊपर उससे इधर को चेहरा धुंधला आ जाता। तो अब मैं मानू की बुआ की राखी बंधवा देती हूँ मानू के पापा को, और फिर उसके बाद अभी एक और आ रही है, मतलब यहीं पे मानो के पापा को राखी बांधने के लिए आएंगी, तो उसको भी आने में टाइम है। तब तक मैं राखी बंधवा देती हूँ, 10 बजे से पहले पहले राखी बांधनी है। तो चलिए राखी बंधवा देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। रक्षाबंधन बोलो मानो। हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो दोस्तों नमस्कार, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी प्यारी प्यारी बहनों को। चलो मानो पापा को राखी बांधेगी मानो बुआ की। ये देखो तो बुआ की कौन सी राखी है मानो, ये मोती वाली है बड़ी वाली। हाँ ये है बुआ की राखी। चल मानो टीका लगा पहले पापा को आराम से। तो अब दूसरे लोग ये लो वाला भी लगा, तिरछा टीका लगा दिया। चलो चावल लगाओ। जय हो, चलो आता बांधना मानू, बांधो। हाँ ऐसे करो, एक ज्यादा टाइट नहीं। हाँ एक और बांधो, नहीं एक और बांधो, एक फिर और बांधो। गुड। तो अब आरती उतारो पापा की। फाइव आर हाँ चलो मिठाई खिलाओ पापा को। हाँ चम्मच से खिला दो, ऐसे ही खिला दो, पूरा दे दो। नहीं भैया वो आधा ही खिलाएगी। एक राखी और बांध दो अपनी तरफ से ना मानो, एक बेटी की राखी। चलो हम तो अपने पापा को बांधते थे राखी, चलो बांधो। बाकी इसकी गांठ गब्बू सही कर देगी ना। तो अभी गब्बू भी आ रही है। बस ऐसे जी। हाँ चलो पापा के पैर छुओ। हाँ पैसे भी लेते हैं पता है। हाँ चलो अभी अभी एक मैं फिर से मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी एक सिस्टर और आ रही है मानू के पापा की। तो मानू के पापा दे रहे हैं मानू को, तो ये मानू के लिए है गिफ्ट। थैंक यू। ये मेरे को ऐसे एक दिवाली में भी मिला था। पैसों का क्या करेंगे ना बच्चे, है कि नहीं। तो देखो भाई आ गया मेरा राखी बंधवाने के लिए, और ये बुआरी है उसकी। बुआरी हमारे उत्तराखंड में भाई की वाइफ को कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो दोनों को राखी बांधते, तो मैं आज दोनों को राखी बांध रही हूँ। अच्छा समझो ना रे, समझ भैया
मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। गाना भी आएगा क्या उसमें? आ जाएगा। जय मेरी मामा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सही में खा लेते हैं हमारे हाथ। हमारे हाथ है ना? हाँ। ये दोबारा क्यों? चुप रहो, हमारे होता भाई। हम हमारे तो पाप लगेगा, हमारे कोई फायदा नहीं पूछा। इतना मीठा खा ली क्या? नहीं खाती हूँ मीठा, मैं खाऊंगी। नहीं खाता मेरे हाथ में मीठा ये नहीं खाती है। मैं सारा खा लूंगा, सबके हिस्से का अजय भैया खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दस मिनट आधा बड़े हो। चलो अब मैं और मेरे हस्बैंड बैठेंगे, गब्बू हम दोनों को बांधेगी राखी। तो अब गब्बू बांधेगी पहले अपने भाई को राखी। पिछले साल भी वो आई थी तो पिछले साल मेरे ससुर जी नहीं रहते तो राखी नहीं थी। अब दिया लाए अब ठीक बोला, मेरे को एक काम है ना। हाँ कोई सा भी लगा कही अच्छा अपने हिसाब से ना। वो लगा रखना सब कुछ, मैं सिर्फ एक रखा था। कोई मुझे सब लोग इतना डांटते हैं गब्बू गब्बू करके। खुश रहो खुश रहो सदा। वो साइनी कौन है? वो खुश रहो। हेलो साइनी कौन है? साइनी हाँ दीदी कौन है साइनी? पंखा चला मानू। तो दोस्तों मिलते हैं हम थोड़ी देर में गप्पू से गप मारने के बाद। तो हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय, अगले साल होगा। तो मान के पापा आ गए हैं ड्यूटी से और ये मैंने उनके लिए खाना तैयार कर रखा है। ये देखो ये है रहता है, ये खीरे का रहता है, ये वही आलू के बड़े यानी कचौड़ी टाइप की बड़े पकौड़ी टाइप के। और मैं तो कुछ नहीं खा रही क्योंकि मेरी तबीयत ही सही नहीं है, बहुत सिर में मेरे दर्द है, मैं परेशान हो रही हूँ बहुत। तो ये खाना खा लें और अब मैं मानू को भी देती हूँ। चलो खाओ तुम। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ दूसरे हाथ में।
तो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मुझे कोई खास ज़्यादा मेहंदी लगानी आती नहीं है, बट मैं हल्की फुल्की मेहंदी लगा लेती हूँ धीरे धीरे करके, तो मैं आपसे थोड़ा सा दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है? तो चलिए, मैंने अभी इतना ही बनाया है और बाकी अब मैं बना रही हूँ। तो को मैंने एक हाथ में ऐसे मतलब और सामने खा लिया, अभी सामने नहीं लगाया, मैं ऐसे मजाक मजाक में लगाती, मजाक मजाक में इसमें लगा दी, अब मजाक मजाक में मैं सोची यहाँ पे भी लगा लूँ। इसमें तो मैंने ये ईयरबड से करी क्योंकि सीधे हाथ पे वो नहीं कर सकती, मैंने कल लगा ली थी और मैंने ये चीज़ें नहीं भरी ना। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, शॉर्ट शॉर्ट करके मैंने आपके लिए दिखा दी है ये। तो जान समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये ईयरबड से डिजाइन बना दिया फिंगर पे, इस पर अभी ये इतना इतना खाली रह गया, ये अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जो इसमें देख रहे हैं वो इतना बस की बात हो नहीं रही बनाना, इतना आसान है नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या करती हूँ मैं इसमें। कल तो बहुत थक गई थी मैं, तो मैंने ज़्यादा किया नहीं। अभी अब थोड़ा सा ये पीछे का थोड़ा सा सूख जाए तो फिर यहाँ पे हाथ बैठे, इधर एक्चुअली मेरी ग्रिप नहीं बन रही है बनाने की। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।